आज लखनऊ के जीपीओ पर पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। और इसी कड़ी में लखीमपुर खीरी से 5 बार के विश्व प्रसिद्ध चित्रकार अमन सिंह गुलाटी ने एक नया फैसला लिया। अमन सिंह गुलाटी ने 44 शहीद जवानों के परिजनों को उनकी चित्रकला बनाकर उनके घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमन सिंह ने 44 घंटे लगातार इस चित्रकला को बनाने का निर्णय लिया है। खीरी लखीमपुर से आए हुए इस नौजवान ने कहा कि अगर सभी लोग हमारी आर्थिक मदद करेंगे तो उस पैसे को बटोर करके हम सभी जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में देने का काम करेंगे। ये पेंटिंग जो है मेरी 44 बार लगातार हेल्प करती रहेगी, जिसमें मैं जितने भी शहीद हमारे सोल्जर्स हैं उन सबका ट्रिब्यूट करूंगा पेंटिंग बना के। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो है कि नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में तो परसों तक का ये क्रिएट किया जाएगा। इसमें बिना रुके बिना कुछ भी करें मुझे 1 आवर में 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, जो मैं 6 घंटे के बाद लूँगा 30 मिनट का। इस हिसाब से मैं ब्रेक्स लिया करूँगा, बाकी ये पेंटिंग मेरा लगातार वर्क करता है। इस हिसाब से मैं ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो ऑल द विशेस फॉर यू, थैंक यू सो मच। सर बस मेरा मोटिव को श्रद्धांजलि देने का कर्तव्य निभा रहे हैं। कल हमारा, जैसे जानते हैं सभी लोग, संडे का दिन है। सब लोग अपने अपने घरों में बैठेंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलिए, मगर लखनऊ शहर वासियों से हम लोग की गुजारिश है अपने 2 मिनट यहाँ आके जो आप बाहर जाते हैं यहाँ पे आके हम लोग का सहयोग करें और अपनी उपस्थिति का यहाँ पे प्रमाण देकर देश के इस कार्य में, श्रद्धांजलि के कार्य में अपना समय दें। है और हमारा भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकाल करके इन लोगों की हौसला अफजाई भी होगी और सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी।